हेलो दोस्तों, ले आया हूँ आपके लिए हैंड्स ऑन ओप्पो रेनो 7 प्रो की। काफ़ी खूबसूरत सा सेल फ़ोन है, देखते हैं कितने का हमें मिलता है और इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है जो हमें जानना ज़रूरी है बाय करने से पहले। तो इसकी वीडियो हम शुरू करते हैं। ले आया हूँ आपके लिए ओप्पो रेनो 7 प्रो। हम इसकी अनबॉक्सिंग तो नहीं करेंगे, इस बॉक्स में यहाँ पे अभी तक बॉक्स नहीं आया है, मगर मैं इस वीडियो में आपके लिए इसका हैंड्स ऑन करूँगा, देखेंगे कि कैसा सेल फ़ोन है। खूबसूरत सा कलर है मेरे पास, ब्लू और ये शेड दे रहा है यहाँ पे पर्पल का, काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। काफ़ी थिक है, ये स्टैंड भी हो सकता है जैसे कि हमारा आईफोन 12 प्रो मैक्स जो होता है वैसे ये भी स्टैंड कर सकता है। खूबसूरत सा कलर है। तो इसके साथ आते हैं तीन कलर प्रो में आते हैं, एक ब्लू कलर, दूसरा आता है ब्लैक कलर और तीसरा आता है गोल्डन कलर। आपको कौन सा कलर पसंद है इसके अंदर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हमारे पास खूबसूरत सा एक फ़ोन है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले हमें मिला है इसका 6.5 OLED डिस्प्ले हमें मिला है, 90 हर्ट्स मिले हैं और रिफ्रेश रेट जो मिला है हमें पर सेकंड वाला वो मिला है 90 FPS। आज का सेल फोन के अंदर 120 हर्ट्स आ रहे हैं, मगर ओप्पो ने इसके अंदर फिर भी 90 दिया है। क्यों दिया है, इसके प्राइस की वजह से हो सकता है, तो ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्यों हुआ है ऐसा। मेरे पास ये चाइनीज़ वर्जन है, मैंने इसे चाइना से लिया है, मगर इसकी अभी बुकिंग स्टार्ट है, मगर ये मेरे पास अभी नहीं आया है तो मैं इसकी हैंड्स ऑन कर रहा हूँ। खूबसूरत सी स्क्रीन में हमें पंच होल मिल जाता है लेफ़्ट साइड के अंदर कॉर्नर पे, ज़्यादातर सेंटर पे आता है मगर इसको लेफ़्ट साइड पे मिलता है तो काफ़ी खूबसूरत इसको कर देता है। हमें मिलता है 32 MP का फ्रंट कैमरा जो काफ़ी दमदार है। बैक कैमरा देखते हैं, इसका बैक कैमरा जो इसकी वजह से ये सेल फोन ज़्यादा चलेगा वो है इसकी बैक लाइट, जो इसकी कैमरे की तरफ इसकी ये लाइट जो है ये ग्लो करती है। मगर ग्लो करने की इसकी वजह है, पहली है जब ये चार्ज करेगा तो ये ग्लो करेगा और दूसरा है जब ये कॉल आती है तो ये ग्लो करेगा। देखिए, अगर ये मैं इसकी चार्जिंग हटाता हूँ तो ये बंद हो गया है, ये मैंने लगाया है और ये हो चुका है शुरू। मैं इसका कैमरा ऑन करके देखूँगा कि ये फिर भी चलता है या नहीं। तो ये हमने इसकी वीडियो बनाना शुरू करती है और ये अभी चार्जिंग के साथ कनेक्ट है तो ये बंद हो गया, वीडियो बना रहा है मगर ये इसकी लाइट जो है ग्लो नहीं कर रही है। ये मैंने चार्जिंग लगाई इसकी और ये ग्लो करना शुरू कर दिया। तो ये हो सकता है कि जब आपने लाइट बंद कर दी अपने घर की और ये चार्ज कर रहा है तो ये आपको पता चलेगा ये सेल फोन कहाँ है। इस फ़ोन का कैमरा थोड़ा सा दमदार है क्योंकि इसके अंदर हमें मिलता है सोनी का IMX766 जो मेन कैमरा है इसका है 50 MP का। 50 MP जो नॉर्मल आया है उसके अंदर ही आया है 65 MP। 50 MP है क्योंकि सोनी IMX का इस्तेमाल किया तो 50 काफ़ी दमदार है। उसके बाद हमें मिलता है 8 MP वाइल्ड कैमरा है, 2 MP जो है फोकस कैमरा है। तो उसका ये कैमरा है, आपको कैसा लगता है? मैंने बताया था कि ये सेल फोन आसानी से ये स्टैंड कर सकता है, ये आसानी से स्टैंड हो चुका है। इसकी जो थिकनेस आई है 7.45 mm आई है जो ग्रिप करने में काफ़ी मज़ेदार सा है और काफ़ी हैवी भी नहीं है। अब जो ये है ये राइट साइड पे ये लॉक कर देगा और अनलॉक करेगा। इसी के साथ साथ जो फिंगरप्रिंट्स हमें मिले हैं वो स्क्रीन में हमें मिले हैं, जब आप फिंगरप्रिंट्स करते हैं तो यहाँ से खुल जाएगा। यहाँ से मैंने अभी तक किया नहीं है मगर ये स्क्रीन पे आपको अब फिंगरप्रिंट्स का ऑप्शन दिया गया है। बॉटम पे जो मिल जाते हैं हमें स्पीकर मिल जाता है एक, और यहाँ पर चार्जिंग केबल मिल जाती है और इसका सिम कार्ड का हमें मिल जाता है। सिम कार्ड का ये है कि इसके अंदर देखते हैं कितनी सिमें लग सकती हैं। तो इसके अंदर आप 2 सिमें लगा सकते हैं या 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। ओप्पो रेनो 7 प्रो 8GB रैम 256GB वाला मैंने इसको आपके सामने हैंड्स ऑन कर रहा हूँ। और इसके साथ प्रोसेसर हमें मिलता है Dimensity 1200 मैक्स ऑक्टा कोर जो स्नैपड्रैगन से काफ़ी बेहतर होता है। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं इसका एंड्रॉयड वर्जन जो हमें मिलता है 11।
एंड्रॉयड वर्जन 11। इसकी जो बैटरी है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हल्का सेल फोन है, उसके बावजूद भी जो है 4500 mAh की बैटरी इसके साथ आई है, जो काफ़ी कमाल की चीज़ है। और इसी के साथ चार्जर मिलता है 65 वाट का फास्ट चार्जर, जो इसको अच्छी तरीके से चार्ज करता है 4500 mAh की बैटरी को। ओप्पो रेनो 7 प्रो जो 5G को सपोर्ट करता है, उसके प्राइस हमें मिलते हैं 8GB रैम 256GB स्पेस के साथ 3698 RMB, जो पाकिस्तानी कीमत होती है आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी। हमारे इंडियन फैंस के लिए भी जो है मैं इसको कन्वर्ट करके स्क्रीन पे आपको पेश करता हूँ, जो आपकी कंट्री में इसको इतनी कीमत होगी। उसी के साथ साथ 12GB 256GB की जो कीमत है तकरीबन 4000 RMB की कीमत है, जो पाकिस्तानी करेंसी में और इंडियन करेंसी में आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे कम कीमत में आपकी कंट्रीज़ में आएगा या इससे ज़्यादा, और आता है तो क्या आप इसे बाय करेंगे या नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेल फोन की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आती है तो 1 लाख तो ज़रूर बनता है। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द दूसरे सेल फोन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।